दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर। और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल एचडी हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह जबरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा जरूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की। तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गादास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है A.Sreekar प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कम्पोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मास्त्रम। ये मूवी 2016 में आई थी, पहले उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी के, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है, फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अरबिक मलयालम में रिलीज़ किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और ये मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक IB ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का, तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आएँ, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए USA में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है, और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है, जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है
तो वो देखता है उस सीन को, देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है, लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनक्रेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिसे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैरवा, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है। जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से भैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा। 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहां और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल HD हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में वन तमिल MV.CC पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में। जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो यार मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था AR मुर्गादास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM रईबू और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर SJ सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए। फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेकंड कोलैबोरेशन विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुर्गा दास जो है वो उसने जो है वो असिस्टेंट SJ सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था, उसके बाद जो है वो RJ बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुलप्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हरीश जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है।
जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी IGD फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको फुल HD हिंदी में कब कहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूँ। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की। तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गादास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है A. श्रीकर प्रसाद ने। जहां पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मातो स्वम। ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है, फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अराबिक मलयालम में रिलीज किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और यह मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और यह मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक IB ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का, तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आएँ, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए USA में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल
जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है। एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कांस्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह। उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है। लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनक्रेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिससे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैरवा, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है। जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से बैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा। 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहाँ और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल HD हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में OneTamilMV.cc पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में। जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो यार मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था AR मुर्गा दास के साथ थुपकी में जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM अराइव और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर SJ सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए। फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेकंड कोलेब्रेशन विद महेश बाबू।
आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुरुगा दास जो है वो उसने जो है वो असाइन असिस्टेंट एस जे सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था। उसके बाद जो है वो आर जे बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुल प्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हर्ष जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज़ किया है, जहां पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी आईसीडी फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल एचडी हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की। तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुरुगा दास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है A. श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटिकग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मास्त्र स्वम। ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी के, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अरबिक मलयालम में रिलीज़ किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और ये मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक IB ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का, तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शालिनी को शिवा को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए USA में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है,
तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कांस्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है। लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिससे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक्स की थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में दिखाया जाता है सुदलाई भैरवा जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है। जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से भैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा। 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहाँ और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल HD हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में 1tamilmovie.cc पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में। जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो AR मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने और साथ में वर्क किया था AR मुर्गा दास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने
गजनी 7 AUM, अरिवो और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर एस जे सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए। फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेकंड कोलेबरेशन है विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुरका दास जो है वो उसने जो है वो असाइन असिस्टेंट एस जे सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था। उसके बाद जो है वो आर जे बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुलप्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हर्ष जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी HD फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल HD हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबास्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गादास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुलप्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है A. श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मास्त्रम। ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी के, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है तेलुगु, तमिल और अरबिक मलयालम में रिलीज किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और ये मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे।
इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक आईबी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक डेवलप करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है। लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का, तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए यूएसए में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है, और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है, जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है। लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिससे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैरवा, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है, जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से भैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आएँ और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा, 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहां और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल एचडी हिंदी में देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में 1tamilmovie.cc पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना, और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू
किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो ए आर मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था ए आर मुर्गा दास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM अराइव और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर एस जे सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए। फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेंगिड कोलेब्रेशन विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुर्गा दास जो है वो उसने जो है वो असाइन असिस्टेंट एस जे सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था, उसके बाद जो है वो आर जे बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुलप्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हर्ष जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहां पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी IGD फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल HD हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गा दास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में, जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुलप्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हरीश जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मातो स्वम, ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया, इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अराबिक मलयालम में रिलीज़ किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में
26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और ये मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक आईबी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए यूएसए में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है, और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है, जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है, लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिससे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है, और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है, पास्ट में दिखाया जाता है सुदलाई भैर हुआ, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है, जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से भैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो ख़ुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आएँ और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है, और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा, 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहां और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल एचडी हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में OneTamilMV.cc पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में।
जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना, और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो यार मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था एआर मुर्गा दास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM राइव और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर एस जे सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए। फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेंगिड कोलेब्रेशन विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुर्गा दास जो है वो उसने जो है वो असाइन असिस्टेंट एस जे सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था, उसके बाद जो है वो आर जे बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुल प्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हरीश जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना, जहां पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी आईसीडी फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल एचडी हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वाच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी तरह जबरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा जरूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है एआर मुर्गा दास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है एनवी प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, एस जे सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, आरजे बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटिकग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज्ड किया है हरीश जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मोत्सवम, ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था।
बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है, फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कंप्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अरबिक मलयालम में रिलीज़ किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को यूएसए गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और यह मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और यह मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक आईबी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है। लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का, तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शालिनी को शिवा को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आएँ, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए यूएसए में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है, और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है, जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है। लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिसे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है, और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैरवा, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है, और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है, जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से भैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है, और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा, 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो
छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस, क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिसे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहाँ और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल HD हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में वन तमिल MV.CC पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना, और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो AR मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था AR मुर्गा दास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM रईबू और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर SJ सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए, फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेकंड कोलैबोरेशन विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुर्गा दास जो है वो उसने जो है वो असिस्टेंट SJ सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था, उसके बाद जो है वो RJ बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुलप्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हरीश जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी HD फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल HD हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गा दास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में, जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या,
रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, आरजे बालाजी, जया प्रकाश और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद ने, जहाँ पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने और म्यूज़िक कंपोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मोत्सवम, ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया, इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अरबिक मलयालम में रिलीज़ किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को यूएसए गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे और यह मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और यह मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़ और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक आईबी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आएँ और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए यूएसए में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है जो कि उसके घर का एड्रेस देकर, लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है, लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिससे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उससे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैर हुआ, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है, जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो
फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से बैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा। 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहाँ और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल HD हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में OneTamilMV.cc पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में। जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना। और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो यार मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था AR मुर्गा दास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM अराइव और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर SJ सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए। फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेकंड कोलैबोरेशन विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुर्गा दास जो है वो उसने जो है वो असिस्टेंट SJ सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था। उसके बाद जो है वो RJ बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुलप्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हरीश जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहां पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी HD फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ।
दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल एचडी हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वाच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह जबरदस्त होने वाली है जिसे आप पूरे का पूरा जरूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की। तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गादास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है A.श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मास्त्रम। ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी के, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है, फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अरबिक मलयालम में रिलीज़ किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और ये मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक IB ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का, तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए USA में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है, और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है, जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है
तो वो देखता है उस सीन को, देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है, लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनक्रेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिससे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक्स के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैरवा, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है। जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से बैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो ख़ुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा। 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहाँ और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल एचडी हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में वन तमिल एमवी डॉट सीसी पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में। जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना। और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो यार मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था एआर मुर्गादास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM अराइवो और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर एस जे सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए। फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेकंड कोलेब्रेशन विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुर्गादास जो है वो उसने जो है वो असिस्टेंट एस जे सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था। उसके बाद जो है वो आर जे बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुल प्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हर्ष जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है।
जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी HD फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल HD हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की। तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गादास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है A. श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मोत्सवम। ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी के, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है, फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है तेलुगु, तमिल और अरबिक मलयालम में रिलीज किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और ये मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक IB ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का, तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए USA में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल
जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कांस्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है, जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है, लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिससे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैरवा, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है। जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से बैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा। 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है। तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहाँ और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल एचडी हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में 1tamil.mv.cc पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में। जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना। और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो यार मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था यार मुर्गा दास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM अराइवो और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए। जहां पर एस जे सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए, फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेंगिड कोलेब्रेशन विद महेश बाबू।
आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुरुगा दास जो है वो उसने जो है वो असाइन असिस्टेंट एस जे सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था। उसके बाद जो है वो आर जे बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुल प्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हर्ष जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहां पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी आईसीडी फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी आपको फुल एचडी हिंदी में कब कहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूँ। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की। तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुरुगा दास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है A. श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मास्त्र स्वम। ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी के, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अराबिक मलयालम में रिलीज़ किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और यह मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और यह मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक IB ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का, तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शालिनी को शिवा को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए USA में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है,
तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कांस्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है। लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनक्रेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिससे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक्स के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैरवा, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है। जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से भैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा। 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहाँ और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल HD हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में OneTamilMV.cc पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में। जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो यार मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने और साथ में वर्क किया था यार मुर्गा दास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने
गजनी 7 AUM अरेवो और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुल प्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर एस जे सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए। फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेकंड कोलेबरेशन है विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुरका दास जो है वो उसने जो है वो असाइन असिस्टेंट एस जे सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था। उसके बाद जो है वो आर जे बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुल प्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हर्ष जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी IGD फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको FHD हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबास्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह जबरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा जरूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गादास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है A. श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मास्त्रम। ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी के, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अरबिक मलयालम में रिलीज़ किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और ये मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और ये मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे।
इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक आईबी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक डेवलप करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है। लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का, तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए यूएसए में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है, और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है, जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है। लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिसे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे के उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है, और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैरवा, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है। जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है, जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से भैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है, और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा, 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहां और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल HD हिंदी में देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर, और साथ में 1tamil.mv.cc पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना, और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू
किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो ए आर मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था ए आर मुर्गा दास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM अरेबो और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर एस जे सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए, फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेंगिट कोलेब्रेशन विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुर्गा दास जो है वो उसने जो है वो असिस्टेंट एस जे सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था, उसके बाद जो है वो आर जे बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुलप्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हरीश जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी HD फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल HD हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वाच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गा दास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में, जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुलप्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटिकग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हरीश जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मोत्सवम, ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया, इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अराबिक मलयालम में रिलीज किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में
26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे और यह मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और यह मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक आईबी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है। लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए यूएसए में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है। लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिससे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उससे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैर हुआ, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है, जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से बैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो ख़ुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आएँ और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा, 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहां और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल एचडी हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में वन तमिल एमवी डॉट सीसी पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में।
जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना। और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो यार मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था एआर मुर्गा दास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AM अराइव और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर एस जे सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए। फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेकंड कोलैबोरेशन विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुर्गा दास जो है वो उसने जो है वो असिस्टेंट एस जे सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था, उसके बाद जो है वो आर जे बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुलप्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हरीश जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना, जहां पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी आईसीडी फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल एचडी हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वाच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है एआर मुर्गा दास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है एनवी प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, एस जे सूर्या, रकुलप्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, आरजे बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटिकग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हरीश जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मोत्सवम, ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था।
बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है, फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अरबिक मलयालम में रिलीज़ किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को यूएसए गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और यह मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और यह मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक आईबी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शालिनी को शिवा को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए यूएसए में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है, और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है, जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है, लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिसे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है, और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैर हुआ, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है, जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है। जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से बैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है, और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा, 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है, तब जाके उसके भाई को जो है वो
छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिसे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहाँ और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल HD हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में वन तमिल MV.CC पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अडला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना, और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो AR मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था AR मुर्गा दास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM अराइवो और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर SJ सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए, फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेकंड कोलैबोरेशन विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुर्गा दास जो है वो उसने जो है वो असिस्टेंट SJ सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था, उसके बाद जो है वो RJ बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुलप्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हरीश जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना, जहां पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी HD फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल HD हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी डीप डिटेल के साथ रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गा दास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में, जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या,
रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, आरजे बालाजी, जया प्रकाश और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है ए श्रीकर प्रसाद ने, जहाँ पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने और म्यूज़िक कंपोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मोत्सवम, ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया, इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है तेलुगु, तमिल और अरबिक मलयालम में रिलीज किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को यूएसए गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे और यह मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और यह मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़ और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक आईबी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शालिनी को शिवा को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आएँ और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए यूएसए में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है जो कि उसके घर का एड्रेस देकर, लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो आईबी से जो है वो रिज़ाइन कर देता है, लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिससे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे के उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जाकर रिसर्च करता है और उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। शिवा जो है वो उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। पास्ट में हमें दिखाया जाता है सुदलाई भैरवा, जो कि बेसिकली अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और अपने फादर और अपने यंगर ब्रदर के साथ है, जहाँ पर जो है उसका बाप जो है वो फ्यूनरल राइट्स यानी कि डेड बॉडियों का काम कर रहा होता है।
जब भी कोई मरता है तो वो उसे बुलाया जाता है, तो इसकी वजह से उनका घर बार जो है वो चल रहा होता है। लेकिन एक दफ़ा अचानक से जो है वो गांव में लोग जो है वो मरना कम हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी नहीं मरता, तो उनके के लिए जो है वो खाना पीना सारा कुछ जो है वो बंद हो जाता है। तो इसी वजह से बैरवा जो है वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को जो है वो खुद मारेगा, ताकि उनके जो है वो लेके आए और उनकी जो है वो दोबारा फिर से आमदनी स्टार्ट हो। शिवा जो है वो भैरवा को पकड़ लेता है और उसके बाद जो है वो उसे दूसरी जगह छुपा देता है। उसका भाई जो होता है वो लाइव टेलीविज़न पर जो है वो मास्क पहन कर आता है और कहता है कि वो 23 लोगों को जो है वो मार देगा। 23 पिलर के अंदर जो है वो मेट्रो के उसने उसे छुपाया हुआ है। तब जाके उसके भाई को जो है वो छोड़ दिया जाए, वरना ये सारे के सारे जो है वो हॉस्पिटल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। अगर आप सस्पेंस क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये मूवी जो है वो आपके लिए जो है वो बेस्ट होने वाली है, जिससे जो है वो आप मिस नहीं कर सकते। मूवी इंटरटेनमेंट भी करवाएगी, मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है। अगर आप इस मूवी को बात कर लेते हैं आप कहाँ और कैसे देख पाओगे, अगर आप इस मूवी को फुल HD हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मूवी अवेलेबल हो चुकी है ओला मूवीज़ पर और साथ में 1 Tamil Language.cc पर है, तो आप इस मूवी को जो है वो इंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं मज़ीद इस मूवी के प्री प्रोडक्शन के बारे में। जहाँ पर ओरिजिनल महेश बाबू ने प्लान किया था कि वो इस मूवी से तमिल में डेब्यू करेंगे श्री मंथडू से, लेकिन उसका जो है वो बाद में जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी। उसके बाद ऑफिशियल अनाउंस किया गया श्रीकांत अड्डला के साथ ब्रह्मोत्सवम, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं बना। और उसके बाद जो है वो स्पाइडर मूवी के साथ तमिल में डेब्यू किया गया। नवंबर 2015 में जो है वो महेश बाबू ने नेक्स्ट प्रोडक्शन तमिल तेलुगु जो है वो यार मुर्गा के दास के साथ डिसाइड किया, जहां पर उनका तमिल डेब्यू भी था और मुर्गा दास का भी था, और साथ में जो है वो तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री में जो है वो चिरंजीवी ने 2006 में जो है वो चीज़ें जो है वो स्टार्ट की थी। डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी का प्रोजेक्ट जो है वो किक स्टार्ट किया गया था संतोष सेवन ने, और साथ में वर्क किया था AR मुर्गादास के साथ थुपकी में, जो कि 2012 में आई थी थलापति विजय की और हरीश जयराज, जहां पर जो है उन्होंने गजनी 7 AUM अराइवो और थुपकी में कंपोज किया था म्यूज़िक को। और कास्टिंग की बात करें जाए मार्च 2016 में परिणीति चोपड़ा वाज इनिशियली साइन लीड एक्ट्रेस डेब्यू साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां पर जो है वो अनअवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो तकड़म की वो कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रही थी मूवी, तो इसी वजह से जो है वो इन्होंने क्रिएटर्स ने जो है वो अप्रोच किया रकुलप्रीत सिंह को लीड रोल के लिए, जहां पर SJ सूर्या जो है उसको हायर किया गया नेगेटिव रोल के लिए। फर्स्ट टाइम फीचरिंग लीड रोल मार्केटिंग हिज सेकंड कोलेब्रेशन विद महेश बाबू आफ्टर डायरेक्टिंग हिम नानी। मुर्गादास जो है वो उसने जो है वो असाइन असिस्टेंट SJ सूर्या जो है वो वाली और खुशी में भी काम किया था। उसके बाद जो है वो RJ बालाजी को साइन किया गया। इस तरह जो है वो कास्ट जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद फिल्मी की बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी 29 जुलाई 2016 में स्टार्ट की गई, जहां पर रकुल प्रीत सिंह ने सेट को जो है वो अगस्त 2016 में ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक हर्ष जयराज ने इस मूवी का जो है वो म्यूज़िक कंपोज किया है, जहाँ पर जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल की रहती हैं। और अगर बात कर लेते हैं इस मूवी के मज़ीद टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आपने जो है वो वीडियो को पूरे का पूरा ज़रूर देख लेना है, जहां पर हम बात करने वाले हैं इस मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, डीप डिटेल रिव्यू और भी HD फैक्ट्स जो है वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्पाइडर, और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मूवी आपको फुल HD हिंदी में कब कहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को वॉच ऑनलाइन या फिर डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं ये भी बताने वाला हूं। मूवी की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, मूवी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मूवी के बजट के बारे में बात करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर हुई थी या फिर ये मूवी डिज़ास्टर हुई थी इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी डीप डिटेल
के साथ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी तरह ज़बरदस्त होने वाली है, जिसे आप पूरे का पूरा ज़रूर देखिएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, तो स्पाइडर 2017 की इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कहानी को लिखा है AR मुर्गादास ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है NV प्रसाद ने। ये मूवी जो है वो बेसिकली दो लैंग्वेज में शूट की गई थी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। जहां पर अगर लीड कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी के लीड कास्ट में हमें नज़र आएंगे महेश बाबू, SJ सूर्या, रकुल प्रीत सिंह, भरत, प्रियादर्शी, RJ बालाजी, जया प्रकाश, और इनके अलावा और भी साउथ के जाने माने बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं वो आपको इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। जहां पर अगर बात की जाए इस मूवी की एडिटिंग की, तो इस मूवी को एडिट किया है A श्रीकर प्रसाद ने, जहां पर सिनेमेटोग्राफी दी है संतोष सेवन ने, और म्यूज़िक कंपोज किया है हारिस जयराज ने। ये फिल्म जो है वो डेब्यू फिल्म है तमिल में महेश बाबू की, जहाँ पर जो है वो इस मूवी को पहले करने वाले थे ब्रह्मातो स्वम। ये मूवी 2016 में आई थी पहले, उसको जो है वो रिलीज़ करने वाले थे तमिल लैंग्वेज में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और बाद में उसको जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया था। बात कर लेते हैं स्पाइडर मूवी की, जिसे कि 18 मार्च 2017 को जो है वो रिलीज़ किया। इस मूवी का टाइटल जो है वो रखा गया था, और उसके बाद जो है वो बाद में इस मूवी की जो प्रोडक्शन का काम है वो जुलाई 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रिंसिपल बायोग्राफी जो है, फोटोग्राफी जो है वो तभी की गई थी, और इस मूवी की शूटिंग जो है वो चेन्नई, हैदराबाद, वाइजैग में रखी गई थी। अगस्त 2017 से पहले इस मूवी की जो है वो शूटिंग पूरी तरह कम्प्लीट करवा ली गई थी। स्पाइडर मूवी को जो है वो तेलुगु, तमिल और अराबिक मलयालम में रिलीज़ किया गया था 27 सितंबर 2017 को, जहां पर इस मूवी को USA गोल्फ कंट्री में 26 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। और जब यह मूवी रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे, और यह मूवी जो है वो 150 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी, जबकि इस मूवी का बजट था 120 करोड़। जी हाँ दोस्तों, और यह मूवी जो है वो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर फेलियर हुई थी, और इस मूवी के फेलियर होने के कारण जो है वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी रिलायंस इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया था लाइका प्रोडक्शन ने। इस मूवी का रनिंग टाइम 145 मिनट यानी कि 2.5 घंटे, बजट था इस मूवी का 120 करोड़, और इस मूवी ने 150 करोड़ का जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अगर बात कर ली जाए इस मूवी के प्लॉट की, तो कहानी में हमें शिवा यानी कि एक IB ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि एक डिवेल्प करता है प्रोग्राम को, स्पाई प्रोग्राम को, जो कि लोगों की जो है वो मैसेजेस और कॉल को जो है वो सुन सकता है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई कोड वर्ड बोलेगा हेल्प का, तो वो ऑटो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से। तो वहाँ पर हमें शिवा को दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली जो है वो चार्ली को सुन रहा होता है, जहाँ पर उसकी विश होती है कि 98% जो है वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए, और जबकि 96 जो है वो उसे स्कॉलरशिप के लिए USA में चाहिए होते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है, तभी वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड डेट करेगी अगर वो स्टडी पर फोकस करेगी तो। तो इसी वजह से शिवा जो है वो उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, और दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शिवा जो है वो उसका फोकस जो है वो प्यार मोहब्बत पर हो जाता है, उसकी जॉब पर नहीं। एक रात जो है वो 28 अप्रैल जो है वो शिवा जो है वो सुन रहा होता है, एक लड़की अपनी फ्रेंड से कह रही होती है हेल्प के लिए कि वो घर में अकेली है, उसे डर लग रहा है, और उसके घर में जो है वो बिजली चली गई है, लेकिन आसपास के सभी घरों में और गलियों में जो है वो बिजली है लेकिन उसके घर में नहीं है। तो अलार्म जो है वो शिवा जो है वो एक कॉन्स्टेबल रेणुका को वहाँ पर सेंड करता है, जो कि उसके घर का एड्रेस देकर। लेकिन अगले दिन न्यूज़ आती है कि वहाँ पर जो है वो दो वुमेन का जो है वो मर्डर हो चुका है बुरी तरह, उनके जो है वो सर काट दिए गए हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। शिवा जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है, उस सीन को देखने के बाद सोचता है कि वो IB से जो है वो रिज़ाइन कर देता है, लेकिन उसका फादर जो है वो उसे इनकरेज करता है कि किलर को ढूंढो, ऐसे तुम हार कैसे मान सकते हो। शिवा देखता है कि वो लड़की जिसे वो चैट कर रहा था और वो कॉन्स्टेबल जिसे कि उसने भेजा था, दोनों के दोनों जो है वो मारे जा चुके हैं। फिर जो है वो फेसबुक के थ्रू से शिवा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर शिवा जो है वो दूसरे गांव में जाता है, वहाँ पर जा